नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जहां पर मैं देता हूं YouTube रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि आप खुद की चैनल को ग्रो कर सको। साथ ही साथ मैं आपको बताता रहता हूं उन यूट्यूबर्स की कहानी जो इस प्लेटफॉर्म पर खुद को ग्रो कर पाए हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट की ओर बढ़ चुके हैं, ताकि आप उन्हें देखकर खुद को मोटिवेट कर पाओ। इसके अलावा भी मैं आपको टेक वर्ल्ड के बारे में कहानियां बताता रहता हूं जो शायद आपने कभी पहले सुनी ना हो, या फिर अगर सुनी भी होगी तो शायद गौर नहीं किया। तो खैर, बिना किसी देर के आज का रोलिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक ये नहीं किया तो हकीकत में आप आने वाले अपडेट्स को मिस कर देंगे और आप खुद की चैनल को ग्रो करने के नए नए आइडियाज नहीं समझ पाएंगे। तो शुरू करें। खैर दोस्तों, आपको याद होगा अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखे हैं तो वहां पर एक सवाल था कि मुझे कितने वक्त पे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। इसी सवाल के वजह से ही मैंने ये चैनल खोला था। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ एक और चीज भी है, वो है 4000 आवर वॉच टाइम, यानी 4000 घंटे की वॉच टाइम। तो 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स ओवरऑल फंडा क्या है? सबसे पहले समझ लीजिए कि वॉच टाइम क्या है। दोस्तों मान लो कि आप एक 5 मिनट का वीडियो बनाते हो, तो उस 5 मिनट के वीडियो को लगभग 100 लोगों ने देखा है, तो कितने मिनट काउंट हो गए? 500 मिनट। अगर हम इसे घंटे पे कन्वर्ट करें तो लगभग 8 घंटे 20 मिनट के आसपास आपको मिलेंगे, है ना। अब वहीं पर मान लो कि आपका जो 4000 घंटे है उसमें से 8 घंटा 20 मिनट अब माइनस हो जाएगा, जो जितना भी बचेगा वो अब आपका वॉच टाइम होगा। ये चीज कंटिन्यू होता रहेगा जितने आप वीडियोस बनाते रहेंगे। अब मान लीजिए कि अगले दिन आपने फिर से एक जो 5 मिनट का वीडियो है वो आपने डाल दिया, तो वो भी आप मान लीजिए कि इस बार 200 लोगों ने उसे देखा, तो आपका 1000 मिनट ऐड हो गया। अब 1000 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 16 घंटे के आसपास मिलेगा आपको, 16 घंटे 40 मिनट, है ना। तो 16 घंटे 40 मिनट, और पिछले दिन आपने कितना कमाया था? 8 घंटा 20 मिनट, मिलकर कितने हुए? 25 घंटा। तो ये 25 घंटा अब आपके 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उससे माइनस होगा। तो ये है वॉच आवर का जो वॉच टाइम का जो फंडा है वो। अब इस पर एक टाइम फ्रेम लगी होती है, ये टाइम फ्रेम है 12 महीने का। अब इस टाइम फ्रेम को समझते हैं। मान लेते हैं कि आज आपने ये चैनल खोली है, अब इस पे आप वीडियो डालते रहे, एक साल यानी 12 महीने कंप्लीट हुआ, फिर आपने देखा कि आपके 4000 घंटे का जो वॉच आवर है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इतने लोग अभी भी नहीं देखे हैं कि आपका कुल वीडियो देखने की संख्या 4000 घंटे हो। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? अब आपको लगने लगा कि आपका तो मोनेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक साल बीत चुका है, आपका टाइम फ्रेम खत्म हो चुकी है और आपका 4000 घंटे खत्म, मतलब उसका जो रिक्वायरमेंट है वो अब तक पूरी नहीं हुई है। यही पर दोस्तों YouTube का फंडा आता है। ये जो 12 महीने है ये एक्चुअल में नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी आपके लास्ट वीडियो से हमेशा वो 12 महीने काउंट करेंगे। तो मान लो कि आपने इस साल के आपका एक साल पूरा हुआ, 12 महीने पूरा हुआ, अब आपने अगले 6 महीने में भी काम की, ठीक है। अब उस 6 महीने में, 6 महीने के दिन में आपने जो आखिरी वीडियो बनाई, YouTube वहां से पीछे की ओर काउंट करेगा, जब तक 12 महीने का जो पूरा सेगमेंट था वो जब तक होगा तब तक वो काउंट करेगा उससे पहले वाले की, यानी आपका जो इनिशियल्स वीडियोस हैं, जो शुरुआती वीडियोस थे वो मिट जाएंगे, उनके जो वीडियोस नहीं मिटेगा, उनका जो वॉच आवर था वो मिट जाएगा, YouTube उसे काउंट पे नहीं लेगा। इसी हिसाब से जब आपका 4000 घंटे पूरे होंगे तब आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगी। मोनेटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो काम करते हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मेहनत करने की जरूरत पड़ती है ना, तो उस मेहनत की कीमत है वो मोनेटाइजेशन। आप यही समझ लीजिए, लमसम एक आप थोड़ा बहुत फंडा आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 12 महीने पे मतलब कैसे 4000 घंटे, अगर ये 100 के बराबर है तो 2 वीडियो से मुझे 25 घंटे ही मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी 100 लोगों को देखना पड़ेगा, 200 लोगों को देखना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा लोगों को देखना पड़ेगा, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। यही पर मजेदार वाली बात है दोस्तों, ये पूरा फंडा आप कह सकते हो। 12 महीने का जो है ना वो बहुत ज्यादा है।
आप जब अच्छे काम करने लगोगे, लोगों को आपके काम पसंद आने लगेगा, तो आपकी सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग आपको आपकी वीडियोस देखना शुरू करेंगे, और फाइनली शायद 12 महीने से पहले ही आपका एक दिन आएगा जब आप देखेंगे कि आपके चैनल पे लगभग 10,000 लोग हर एक वीडियो को देख रहा है। तो 12 महीने क्यों, मुझे तो लगता है आपको 5 या 6 महीने मैक्सिमम लगेगा। मैंने अब तक जो नए यूट्यूबर्स हैं, जिनके मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, एक हमारे बंगाल का यूट्यूबर है रोहन नाग नाम के, वो CPC मार्केटिंग पर अपना वीडियोस बनाते थे, लोगों को उनके वीडियोस काफ़ी पसंद आया। 2019 के नवंबर महीने में उन्होंने चैनल खोली थी, विद इन 5 मंथ्स 2020 पे ही उन्हें ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्हें मोनेटाइजेशन मिल गई, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। अगर आप उनके चैनल पे अभी जाते हैं तो आपको लगभग 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर नजर आएंगे। मान लो कि ये नवंबर का महीना चल रहा है ना, ये वाकई में नवंबर का महीना चल रहा है, तो उनके 1 साल पूरे हुए हैं और उनके सब्सक्राइबर 1,000 नहीं 1 लाख हो चुका है। सिमिलर एक थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी के एक चैनल है आकाश वर्मा के, आप वो भी यूट्यूब के सर्च रिजल्ट पे जाकर देख सकते हो। उन्होंने भी 2020 पे अपनी जर्नी स्टार्ट की, 26 जनवरी को अपनी जर्नी स्टार्ट की, लगभग अप्रैल मई महीने में, यहाँ पर भी आप देखो दोस्तों 4-5 महीने लग रहा है, उन्होंने अपनी यूट्यूब मोनेटाइजेशन पा ली, अपनी कॉन्टेंट को दुनिया ने अच्छे खासे उन्हें एक्सेप्ट किया, और अब उनके चैनल पर लगभग 1,42,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अभी तक उनके चैनल एक आप कह सकते हो कि उसमें मतलब 1 साल अभी तक पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बना रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका वॉच आवर 12 महीने में कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज आनी ही नहीं चाहिए। बस ध्यान रखो कि आप एक टाइम फ्रेम मेंटेन कर रहे हो। अगर आप हर दिन वीडियो बना रहे हो तो इस पूरे जो कंसिस्टेंसी है इसे बरकरार रखो, यानी मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा, ये मेरा रूल है, ये मुझे मानना है, ये मुझ में ये डिसिप्लिन लानी है। अगर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो अपलोड करूंगा, 2 दिन छोड़कर एक दिन वीडियो अपलोड करूंगा, 3 दिन बाद हफ्ते में 2 बार मैं वीडियो अपलोड करूंगा, हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूंगा, 8 दिन या 9 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा, अब मान लीजिए कि जो ये हमारे आकाश वर्मा है, ये 9 दिन बाद वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ये उनका टाइम फ्रेम है, वो हमेशा इसे मेंटेन करते हैं। आपको भी ये करना होगा, आप अपने वॉच आवर को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप ये नियम मानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये कोशिश रखिए कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बिल्कुल सही रहे, यानी लोग आपकी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, बीच में ना छोड़कर चले जाएं। अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो ऑडियंस रिटेंशन गिर जाएगा, यूट्यूब आगे आपकी वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ऑडियंस रिटेंशन को ठीक ठाक रखने के लिए बेहतर यही होगा कि आप बिना किसी देर के जो भी आपको कहना है, जो भी आपका स्किल्स है, वो डायरेक्टली दिखा दीजिए, और वीडियो की लेंथ को कोशिश कीजिए कि थोड़ा कम रखें, विद इन 10 to 12 मिनट्स मैक्सिमम तक उसे खींचिए, ज़्यादा हो जाए तो मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत खींचिए, लोग उससे ज़्यादा वक्त आपको नहीं देने वाले हैं, अनलेस आपका वीडियो कुछ अलग लेवल का हो। अगर आप बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी बना रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप मूवी की तरह कुछ बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कुछ नॉर्मल सा वीडियोज़ बना रहे हैं वहाँ पर आप कोशिश कीजिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस फ्रेम से आगे ना जाएं। तो यही था दोस्तों 4,000 घंटे की ओवरऑल फंडा और किस तरह से इसे पाना चाहिए, इसका एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम डायनामिक ओवरव्यू था, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा, बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे से लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ रेगुलर टाइम फ्रेम नहीं, वो भी हम आगे की वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल जाए, और साथ ही साथ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि YouTube में एक करियर बनाना चाहिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आया हो। तो मैं प्रतीक बनर्जी आज आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे एक और दिन एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं आपको दूंगा YouTube में खुद को एक एस्टेब्लिश यूट्यूबर बनाने के लिए नए तकनीक। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।